दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज सीखेंगे टाइम एंड वर्क। आप टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में आती है। जैसे आप रेलवे के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो उसमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आती है। आप SBI कलर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या PO का दे रहे हैं या SSC के दे रहे हैं, तो सारे एग्जामिनेशन में एक या दो क्वेश्चन हमेशा टाइम एंड वर्क से पूछे जाती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रूल, कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो उससे पहले हमारे चैनल पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर डेली मैं गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। तो आज देखेंगे कुछ रूल जो टाइम एंड वर्क में यूज करके हम लोग एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो है यूनिवर्सल रूल। यूनिवर्सल रूल, दिस रूल कैन बी यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम। ये रूल हमेशा हर एक प्रॉब्लम में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट को समझें। इफ़ M1 पर्सन कैन डू W वर्क, मीन्स M1 एक आदमी है जो एक वर्क है W1 वर्क इन D1 डे, एक समय अंतराल में डे में वो कंप्लीट करता है। एंड M2 पर्सन कैन डू W2 वर्क इन D2 डे, देन वी कैन से M1 इंटू D1 इंटू W2 इजकल टू M2 इंटू D2 इंटू W1। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये W1 को बाय W1 बाय W2 W1 बाय W2। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले M1 इंटू D1 बाय M2 इंटू D2। तो ये फॉर्मूला भी बनता है W1 बाय W2 इजकल टू M1 इंटू D1 इजकल टू M2 इंटू D2। तो इसी को एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ होता है। इफ द पर्सन वर्क T1 एंड T2 आवर पर डे रिस्पेक्टिवली, देन इक्वेशन गेट मॉडिफाइड टू। मीन सपोज आपको क्वेश्चन में डे के साथ कुछ घंटे भी दिया हुआ होता है तो वो भी घंटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। M1 इंटू D1 इंटू T1 इंटू W2 इजकल टू M1 D2 इंटू T2 इंटू W2। इसको हम लोग लिख सकते हैं W1 बाय W2 इजकल टू M1 इंटू D1 इंटू T1 T1 बाय M2 इंटू D2 इंटू T2। तो ये एक फार्मूला बन जाता है। तो उसी को अभी इफ द पर्सन हैज इफिशियंसी ऑफ E1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली, देन M1 D1 T1 E1 W2। यदि आपको पर्सन का इफिशियंसी भी दिया हुआ हो तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप इफिशियंसी को डायरेक्ट यहाँ पे E1 को यहाँ और यहाँ पे E2 को ऐड कर देंगे, या इसी को यहाँ पे E1 इंटू E2, ऐसे इफिशियंसी फाइंड आउट होगा। आपको क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन में कैसे सॉल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं रूल नंबर 2। इफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन n डेज, देन द वर्क डन बाय ए इन 1 डेज इक्वल टू 1/n। मींस एक कोई व्यक्ति है जो कोई काम को एक डे में कंप्लीट करता है, देन वर्क डन बाय ए इन 1 डेज इक्वल टू 1/1। वैसे रूल नंबर 3, इफ ए कैन डू ए वर्क इन D1 डे एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन D2 डे, देन ए एंड बी टुगेदर कैन डू वर्क इन दी D1 इंटू D2 बाय D1 प्लस D2 डेज। मीन्स एक कोई आदमी है जो कोई काम सम डे में करता है, वही काम बी कुछ दिन में करता है। यदि दोनों मिल के एक काम को किया जाएगा तो आपको क्या कुछ नहीं करना है, जितने भी डे फर्स्ट का रहेगा D1 इंटू D2, उसके बाद डिवाइडेड बाय D1 प्लस D2। तो उसको आप एग्जांपल निकाल सकते हैं फॉर्मूला के में डायरेक्ट पुट करके, आपको विद इन 30 सेकेंड के में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। रूल नंबर 4, इफ़ ए इज ट्वाइस ए
एज गुड ए वर्कमैन एज बी देन ए विल टेक हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय द बी कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। मीन्स कोई भी आदमी एक आदमी से डबल वर्क करता है तो स्वाभाविक बात है वो आधे टाइम लेता है। सपोज ए आदमी, एक आदमी ए है दूसरा बी है, तो ए कोई काम को दो दिन में करता है, वही काम को बी चार दिन में करता है, तो आपको ये यहाँ पे स्वाभाविक बात है कि ये जो काम कर रहा है तो ये 50% मीन्स हाफ टाइम ले रहा है, ये चार दिन ले रहा है तो ये 2 डेज वर्क कर रहा है। तो ये बेसिक रूल है। रूल नंबर 5, इफ़ ए इज ट्राइज एज गुड ए वर्क देन बी देन ए विल बी टेक 1/3 ऑफ द टाइम टेकन टू बी टू कम्प्लीट ए पीस ऑफ वर्क। सपोज ए कोई वर्क 2 डेज में कर रहा है और बी कोई वर्क वही 6 डेज में कर रहा है, तो यहाँ पे देखने की बी जो कर रहा है वो 1/3 टाइम ज़्यादा ले रहा है ए से और ये 1/3 टाइम कम ले रहा है। रूल नंबर 6, इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स डे, बी एंड सी टुगेदर कैन डू ए इन वाई, एंड सी एंड ए टुगेदर कैन डू इन जेड डे, देन द सेम वर्क कैन बी डन बाय ए एलोन बी एलोन सी एलोन। तो ए एलोन करेगा तो 2xyz एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स डेज, बी इफ बी अलग से काम करेगा तो 2xyz वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई माइनस एक्स वाई डेज। तो कभी कभी क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन पुट देगा कि ए बी टुगेदर कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज बी एंड सी 7 डेज, तो हाउ ए विल टेक इफ दैट डे वर्क इन दी एलोन। तो इस टाइप का क्वेश्चन या बी अलोन कर देगा तो आपको सिंपली क्या करना है, ए फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली डिराइव हो रहा है कि ए प्लस बी में एक्स डे में करता है तो 2xyz सारे में होता है, यहाँ पे क्या करना है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो यहाँ जिसका भी ये एलोन है उसका स्टार्ट हो रहा है, एलोन ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ पे एक्स है तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, बी 2xyz zx xy, सी 2xyz zx, सी में क्या है जेड डेज में है, जो स्टार्टिंग यहाँ पे देख रहे हैं ए का स्टार्टिंंग क्या है एक्स है, तो वहाँ से स्टार्ट कर जेड एक्स एक्स वाई माइनस वाई जेड। तो इस टाइप का फॉर्मूला डिराइव याद कर सकते हैं। वाई ए बी सी टुगेदर जब तीनों एक साथ मिलकर काम करेगा तो 2xyz yz zx xy डेज वर्क लेगा। तो इसीलिए बेसिकली इस टाइप के आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करूँगा, आपको सॉल्व करने में कोई देखते हैं कि 30 सेकेंड 20 सेकेंड में आप इजली से सॉल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और 7th रूल है वो है इफ़ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन D1 डे, बी कैन डू इन द D2 डेज, एंड सी कैन डू इन D3 डेज, देन दे टुगेदर कैन डू ए सम वर्क इन D1 × D2 × D3, D1 / D2 + D3 + D1 × D3 डेज। रूल नंबर 8, इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन D1 डेज एंड ए अलोन कैन डू द D2 डेज, देन बी अलोन कैन डू द वर्क इन D1 × D2 − D2 − D1 डेज। रूल नंबर 9, इफ़ द नंबर ऑफ मैन आर चेंज इन द रेशियो ऑफ m:n देन द टाइम टेकन टू कम्प्लीट द वर्क विल चेंज इन द रेशियो ऑफ n × m। मीन्स कभी कभी वर्क करते करते वो रेशियो में कि मैन को क्या करते हैं चेंज कर जाते हैं, उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया तो आपको कुछ नहीं करना है, द टाइम टेकन टू कम्प्लीट द वर्क विल चेंज इन द रेशियो ऑफ n:m। तो बेसिकली एक नॉर्मल रूल है टाइम एंड वर्क का। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि रेलवे एग्जामिनेशन या बैंकिंग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप उसको शॉर्टकट ट्रिक्स में बाय अप्लाइंग इस फॉर्मूला को कैसे सॉल्व करें। तो इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो जय भारत, जय हिंद।